YouTube चैनल। अच्छा जी फ्रेंड, आज मैं आपके बहुत यम्मी स्पाइसी रेसिपी लाई हूँ, पोटैटो लॉलीपॉप स्टिक्स। मज़े की ये देखें, यम्मी 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 यम्मी, मुँह में आ जाए पानी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो आपने स्किप नहीं करना, एंड तक मेरी वीडियो देखनी है। तो चलिए जी कैसे स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, आलू मैंने ले लिए हैं बड़े साइज़ के, 4 आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। और बॉईल करके मैंने उन्हें तकरीबन 30 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखा था, क्योंकि जब तक आलू को हम अच्छे से ठंडा नहीं करेंगे तो उसका जो मॉइस्चराइज़र है वो अंदर बाकी रह जाएगा और हो सकता है कि हमारे जो स्टिक्स हैं वो टूट जाएँ। तो इसलिए हमने लाजमी उन्हें ठंडा करना है, ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। इसके बाद फिर मैंने इन आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है इस तरीके से। तो ये सारे हमारे आलू अच्छे से ठंडे होकर कद्दूकस हो गए हैं। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसी से मसाले डालूंगी। ये मैंने एक प्याज ली है, इस साइज़ की कट कर ली है, एक हरी मिर्च है और आधी शिमला मिर्च है। इन सबको डाल दूंगी, बहुत ही स्पाइसी हमारी स्टिक्स बनेंगी। ये सब डाल देना है मैंने इसके अंदर। थोड़ा सा डालूंगी, आधी चम्मच से करीब धनिया पाउडर, आधी चम्मच के करीब जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, दो चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और एक चम्मच के करीब डालूंगी चिली फ्लेक्स, क्योंकि हमें स्पाइसी चाहिए। फीका फीका होगा तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। टेस्ट के हिसाब से डालूंगी नमक और थोड़ा सा बाजारी कलर देने के लिए मैंने डालना है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर आएगा बहुत अच्छा। और एक चम्मच के करीब डालूंगी कॉर्नफ्लावर, जिससे हमारे जो पोटैटो स्टिक है वो क्रिस्पी बनेंगी, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। और नेक्स्ट में डालना है थोड़ा सा साबुत धनिया, उसे हाथों से क्रश कर लूंगी। और फिर हमने डालना है इस तरीके से, और अब सारे इसमें से उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और साथ ही मैंने डालना है इसमें ब्रेड क्रम्स, ये देख सकते हैं आप, दो चम्मच के करीब डाल दूंगी। आप चाहे तो स्लाइस भी ले लें, तो स्लाइस को भी आप ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, तो ऐसा ब्रेड क्रम हमारा रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप जो रस मार्केट से मिलते हैं, जिसे टोस्ट भी बोलते हैं, उसे भी आप बारीक इस तरीके से फाइन पाउडर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेथड्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए नेक्स्ट, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिए। तो मिक्स कर लूँगी इन सब मसाले को अच्छे से, क्योंकि हमारे आलू ठंडे हुए हैं तो हमें इतने का मसला नहीं है। और अगर कुछ मॉइस्चराइज़र का मसला भी हो जाता है तो फिर हमने इसमें ब्रेड क्रम डाला है ना, तो उससे वो जज्ब हो जाएगा सर इस तरीके से। ये देखें जी, मैंने अच्छे से मसाला मैश कर लिया है। चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रेंड, मैंने स्टिक्स लॉलीपॉप स्टिक बनाने के लिए मार्केट से ये स्टिक्स ली हैं, इजीली आपको मार्केट से मिल जाती हैं। तो अभी मैंने जो ली हैं वो रंग बिरंगी स्टिक ली हैं, बहुत ही कलरफुल है, तो बच्चे बहुत शौक से ये लॉलीपॉप खाएंगे। तो चले जी ले लेते हैं स्टिक्स बनाने के लिए। फ्रेंड, मैंने टिक्की बनाने के लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो चिपके नहीं हाथों पर। तरीके से करेंगे, फिर साथ ही इसे यूं इस तरीके से लंबे शेप में बनाते जाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से, इस शेप में। फिर एक स्टिक ले लिए हमने,
और स्टिक को हमने इसमें इस तरीके से स्लोली स्लोली डालते जाना है अंदर से, और इस तरीके से इसे पुश करते जाना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्ती हमारी लॉलीपॉप पोटैटो स्टिक्स बनके एक रेडी है। अब मैं सारे ही ऐसे रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे लॉलीपॉप हमारे बनके रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, रंग बिरंगी से सब मैंने बना लिए हैं। और मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है, और ये मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। मैदे में मैं थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पतला पेस्ट बना लूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक लॉलीपॉप उठाकर इस पर मैं इसे थोड़ा थोड़ा घोल लगा लूँगी इसका पेस्ट। अब इस पर मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम लगा लेना है। इस तरीके से पूरा डिप कर लेंगे, कहीं से भी ये खाली ना रहे। तो ये देखें, सब मैंने बना लिया है, ऐसे ही मैं सारे कर लूँगी। सारे लॉलीपॉप्स हमारे बन गए हैं। मैंने ब्रेड क्रम भी लगा लिया है इस पर अच्छे से, और तेल ज़रा सही गर्म हो जाए, क्योंकि तेल अगर सही गर्म नहीं होगा तो हमारे पॉप्स टूट सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं सारे पॉप्स इसमें ऐड कर देती हूँ। जितना स्पेस होगा इतना डाल लेंगे। गोल्डन फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसे पलट लेती हूँ। फ्रेंड्स, लाइट गोल्डन कलर इसका हो रहा है तो हम इसे पलट देंगे, क्योंकि हमने जो ब्रेड क्रम लगाया है तो उससे फटाफट से ये पक जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसका। तो हम चले फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे लॉलीपॉप्स बनके रेडी हैं, इतने क्रिस्पी और यम्मी। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इनका क्रिस्प आया है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस वीडियो के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।